हे गाइस, मैं हूं आपका मिस्टर फिनिक्स। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। गाइस, आज हम लोग फिर से वही सीरीज कंटिन्यू करने जाने वाले हैं जो कि गैंगस्टर वर्सेस क्राइम सिटी। तो गाइस, यहां पर सीन ऐसा कुछ है ना, मतलब ये जादूगरनी है, विच है, मतलब क्या है मेरे को भी ठीक से पता नहीं, लेकिन इसके पास से अगर आपने तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटे भी दबा देना, क्योंकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले मेरे वीडियो का मज़ा आप ले। तो चले गाइस, देखते हैं क्या होता है क्या होता नहीं है। चले गाइस, देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या होते हैं। जैसे ही बात करते रहते हैं, भाई के बारे में कुछ बात करती है। देखिए भाई, यही है जेसन का भाई, और जेसन की याद आ जाती है, जेसन को उसके भाई का याद आ जाती है और थोड़ा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर खुद ही देख सकते हो, मतलब कैसे चिल्ला रहे हो जेसन उसको भाई का मौत देखकर। वो भी एक गैंगस्टर्स था, जैसे जेसन है ना वैसे ही गैंगस्टर था, लेकिन उसका मौत देख कर देखिए भाई कैसे चिल्ला रहा था। और यहाँ पर ऐसे ही बातचीत होती रहते हैं, लेकिन एक विच को सारी इंफॉर्मेशन जानकारी सब पता है हमारे बारे में और जेसन के भाई के बारे में। और जेसन पूछता रहते हैं आखिर क्या सीन है। और यहाँ पर देखिए भाई, वो ये बोलते हैं ये बंदा ने सोल बेच दिया इसके लिए, और यहाँ पर उसके बदले में ये कुछ यूरोस दिए। अब यहाँ देखे भाई, एक सीन होती है ना, मतलब चौंक जाएंगे, तो उसका सोल ही खा गए भाई। देख ही सकते हो आप, ये जादूगरनी तो बहुत खतरनाक है गाइस, इससे बचकर रहना होगा। अगर बचकर नहीं रहा तो मेरा भी सोल खा जाती है, तो मैं इससे बचकर बचकर चलने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर आ जानी है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए गाइस, कुछ बंधन जैसे डाल चुकी है, मतलब तांत्रिक वांत्रिक है क्या, मतलब तांत्रिक है ही ये, बट इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, मैंने तो गेम में आज तक इतना शक्तिशाली तांत्रिक को नहीं देखा हूँ भाई। मैं काफ़ी सारे गेम खेला भी हूँ जो उसमें ब्लैक मैजिक सब वगैरह वगैरह होते हैं, लेकिन इतनी शक्तिशाली तांत्रिक वाले को मैं पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ पर आ जाता हूँ जाने के, लेकिन यहाँ पर भी बंधन आ जाती है, मतलब वॉल्स टाइप की आ जाती है वॉल, और कहाँ पर भी जाने की रास्ता भी नहीं दिख रहे थे। तो मेरे को सर्वाइव करना है, जब तक रास्ता खुल जाता है तब तक मैं सर्वाइव करना ही होगा। तब तक मेरे को, अगर सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा तो मेरा डेथ हो जाएगी और मेरा सोल भी चली जाएंगी। सर्वाइव करने की जी जान लगा के कोशिश करता रहता हूँ और इनके सारे बंदों को मेरी गन से मारता रहता हूँ, लेकिन जितने मार रहे हैं उतना कम होते जा रहे हैं गाइस। लेकिन अगर मैं सर्वाइव कंप्लीट कर पाया तो यहाँ पर भागने की रास्ता खुल जाएगा। ये देखिए भाई, यहाँ पर ये वॉल हट चुका है, मेरे को वहाँ पर जाकर बाहर जाने की रास्ता जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं ढूंढा तो मेरी खैर नहीं गाइस, तो चलेगा जल्दी जल्दी ढूंढते हैं। आपकी मदद कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में, एक प्यार सा कमेंट, आपको इस गेम के बारे में क्या समझा, आपको क्या लगा इस गेम प्ले, प्यार सा कमेंट आप डाल सकते हो। इतने से तो कर सकते हो ना गाइस, और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, बिल्कुल मुफ्त में मिलता है आपको, सब्सक्राइब कीजिएगा इस, पैसा थोड़े ना लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर भी वॉल है, मतलब कहाँ कहाँ भाई भाई वॉल। अच्छा, यहाँ से जाना है क्या? हाँ गाइस, यहाँ पर आ गया, हाँ बैक डोर से भागना होगा। हाँ गाइस, बैक डोर से भागना होगा मेरे को। चले गाइस, भागते हैं जल्दी 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 भागते हैं गाइस, मेरे पास टाइम नहीं है यार। ये भी आम इंसान नहीं है, ये भी उसके चेले हैं, उस विच के चेले। यार जादूगर काफ़ी खतरनाक है गाइस। तो चले गाइस, वहाँ पर एक पीले निशान दिख रहे हैं, वहाँ पर जाना है मेरे को, वहाँ पर चलते हैं, शायद हम बाहर जा सकते हैं, बाहर जाने के रास्ता होगा वहाँ पर। तो चले गाइस, चलते हैं। अभी यहाँ पर होगा क्या, अब कहाँ पर जाना है गाइस, शायद यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा रास्ता है। हाँ गाइस, यहाँ पर एक छोटी रास्ता है, तो इसकी मदद से मैं जाते रहता। अरे यार, हर जगह इनके ही बंदे हैं गाइस, जहाँ देखो वहाँ पर इनके ही बंदे हैं, मतलब इस सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल होती जाती रहती है। आपको देखने में इतना आसान लग रहा है गाइस, लेकिन इतना आसान भी नहीं है गाइस। मैं इस गेम को मोर देन 1 आवर से खेल चुका हूँ, 1 आवर से ज़्यादा। मैं एडिट वेडिट करके आपका छोटा सा प्यारा सा कंटेंट डाल चुका हूँ, आपका प्यार बहुत ज़रूरत है गाइस इस प्यारे से कंटेंट के लिए। गाइस यहाँ पर एक वॉल खुल चुका है, चले गाइस वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से जाने की कोशिश करते रहते हैं। और कहाँ पर है रास्ता, हाँ भाई यहाँ पर एक छोटा रास्ता है, मतलब छोटी दीवार की तरह रास्ता रहता है। हाँ गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं हम। अरे यार, डोर तो क्लोज हो गई है, अब साली गाइस ये कुछ तो करेगी, कुछ तो गजब करेगी। अभी ये कहाँ लग गई मेरे को, अभी यार मैं गिरा हूँ,
देखिए गाइस ऊपर से मैं गिरा हूँ, खुद ही देख सकते हो। अब यार काफ़ी भारी चोट लगी है गाइस। रुको तेरी ऐसी की तैसी कहाँ गई गाइस इन्हें? गाइस एक बार आप देखो, ये शायद हेल है। मतलब कैसा है भाई, कौन सी दुनिया है, कौन सा लोक है, बीच कहाँ पर लेकर आई है मेरे को? गाइस मेरे को तो ठीक से पता नहीं चल रहा है सर, मेरे को डर भी काफ़ी लग रही है। डर इसलिए लग रहा है कि आखिर मेरा सोल ना खा जाए। अगर सोल खा गए तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, मतलब मैं को ठीक से रह भी नहीं सकता गाइस। मैं बाहर धूप में नहीं जा सकता, किसका भी सोल खा गए तो हम बाहर धूप ऊप में नहीं जा सकते, एक काइंड ऑफ ज़ॉम्बी जैसा बन जाते हैं हम। तो यहाँ पर एक गाइस एक खुद डेविल है, कोई जादूगर नहीं या तांत्रिक नहीं है गाइस, एक खुद डेविल है। डेविल को सोल खाना बहुत पसंद है और ये कह रही है तुम्हारे जैसे स्किलफुल पर्सन मेरे को चाहिए काम के लिए। अगर तुम मेरा काम कर दोगे मेरे लिए तो मेरा सोल आपको दे दूंगा वापस। तो गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और घंटे भी दबा देना गाइस, क्योंकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और सबसे पहले हमारा वीडियो के मज़ा आप ले। तो चले गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए, बाय गाइस।